नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में आपके साथ अखिल गुप्ता। आईपीएल 2024 में सोमवार को टूर्नामेंट का छठा मुकाबला आरसीबी और पंजाब के बीच खेला गया। ये मुकाबला इतना जबरदस्त था, इतना रोमांचक था कि आखिरी ओवर में जाके दिनेश कार्तिक ने शानदार बल्लेबाजी की और आरसीबी को 4 विकेट से जीत दिलाई। ये मुकाबला बेंगलोर के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। मैच में विराट कोहली का जलवा देखने को मिला, जिनके बल्ले से 77 रनों की शानदार पारी निकली, जबकि डीके द फिनिशर एक बार फिर से उभर कर सामने आए, दुनिया के सामने निकल कर आए, जिन्होंने दिखा दिया कि उनसे बढ़िया फिनिशर प्रेजेंट टाइम में आरसीबी के पास तो कोई नहीं है। दिनेश कार्तिक ने शानदार बल्लेबाजी की और 28 रनों की नाबाद पारी खेली केवल 10 गेंदों में, यानी कि 280 का स्ट्राइक रेट। आरसीबी को 4 विकेट से जीत दिलाई, लेकिन पंजाब की हार के बाद भी एक खिलाड़ी ऐसा है जिसकी लगातार चर्चा हो रही है, वो है पंजाब के स्पिनर हरप्रीत बरार। वो पंजाब को जीत तो नहीं दिला सके, लेकिन पूरे मैच में उन्होंने कमाल का स्पेल डाला। हरप्रीत बरार ने 4 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 13 रन खर्च किए और 2 बड़े विकेट छटकाए। उनका इकोनॉमी रेट था 3.20 का। हरप्रीत बरार ने पहले रजत पाटीदार को बोल्ड किया, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को भी आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। 2 बड़े विकेट बरार के खाते में आए, लेकिन वो टीम को जीत ना दिला सके। लेकिन खास बात ये रही कि 4 ओवर में वो बहुत ही कंजूस रहे। उन्होंने बिल्कुल इकोनॉमिकल बॉलिंग की, 3.2 का इकोनॉमी रेट था, 13 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम भी किए। खास बात ये रही कि उनके 4 ओवर में यानी कि 24 गेंद में आरसीबी का एक भी पावर हिटर, जिसमें विराट कोहली थे, फाफ डुप्लेसिस थे, मैक्सवेल थे, पाटीदार थे, दिनेश कार्तिक खुद थे, उनके खिलाफ एक भी चौका या छक्का नहीं लगा पाए। अब हरप्रीत बरार की क्रिकेट जगत में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि हरप्रीत बरार कौन है और किस तरह का, मतलब क्या पहली बार उन्होंने इस तरह का परफॉर्मेंस किया। वैसे अगर आपको बता दें कि हरप्रीत बरार के अगर आईपीएल आंकड़ों पर नजर डालें तो उस खिलाड़ी ने अब तक 30 IPL मैच खेले हैं, जिसमें 21 विकेट छटकाए हैं। हरप्रीत बरार पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन हरप्रीत बरार के लिए अब केविन पीटरसन ने ट्वीट किया है, और ट्वीट भी ऐसा किया है जो क्रिकेट जगत में ट्रेंडिंग बना हुआ है, ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। उनका ऐसा कहना है, पीटरसन का ऐसा कहना है कि हरप्रीत बरार के ऊपर भारतीय चयनकर्ताओं को पैनी नज़र रखनी चाहिए, वो T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। केपी ने एक ट्वीट किया और लिखा, ये खेल का क्या ही जबरदस्त आनंद है। हरप्रीत बरार ने कल रात बहुत प्रभावित किया। वर्ल्ड कप के लिए भारतीय चयनकर्ताओं को उन पर करीबी नजर रखनी पड़ेगी। अब केविन पीटरसन ने तो भारतीय चयनकर्ताओं को यह मैसेज दे दिया है कि हरप्रीत बरार एक अच्छा स्पिनर है, अगर आप उस पर नजर बना के रखेंगे, अगर आप उस चैलेंज को मौका देंगे तो वो T20 वर्ल्ड कप में और आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, एक मैच विनर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि आईपीएल 2024 के तुरंत बाद T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और यूएसए की सरजमी पर होगा, जहां पर स्पिन गेंदबाजी में हरप्रीत बरार को वाकई में मदद मिल सकती है। वैसे अगर हरप्रीत के अब तक डोमेस्टिक क्रिकेट के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अभी तक 18 लिस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 19 विकेट छटका है, जबकि 71 T20 मैचों में उनके नाम पर 68 विकेट देखने को मिले हैं, यानी कि पंजाब के लिए उनका परफॉर्मेंस लगातार अच्छा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, अब केविन पीटरसन ने तो कह दिया कि पैनी नज़र बना के रखिए, ये आपको अच्छे मैच जिता के दे सकता है, ये खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में हरप्रीत बरार की टीम इंडिया में जगह बनती है, क्या उनको टीम इंडिया में चुनना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।